दोस्तों आज हम आ गए नई वीडियो के साथ फिर से। आज हम दिखाएंगे आपको लेजर लेवलर कैसे चलता है और इसकी पूरी जानकारी देंगे कि कितने का मिलता है और क्या सब्सिडी है यहाँ। तो हम इन भाई साहब से बात करेंगे लेजर लेवलर वाले से कि कितने का पड़ा और कैसे चलाया जाता है कि जो नया किसान भाई ले तो चलाने वलाने में उसको दिक्कत ना हो। ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, एक देखिए वहाँ खेत में लगा हुआ है। अभी हम इन भाई साहब से पूछ रहे हैं। कि कितने एचपी तक ट्रैक्टर चला सकता है इसको। बंद कर दी। तो दोस्तों हम इनसे पूछेंगे कि ये लेजर लेबलर कितने का लिए हैं और कैसे चलाते रहते हैं। तो भाई साहब आपके लेजर लेबलर आपको कितने का पड़ा है? ये लेजर लेबलर हमने लिया है अभी 10 दिन हुआ है। हाँ, तो ये हमको लगभग 3 लाख का पूरा पड़ गया है। अच्छा, 3 लाख का। ये 3 लाख का कंप्यूटर साथ में भी है? सब्सिडी नहीं मिली है, लेकिन सब्सिडी बोल रहे हैं कि मिल सकती है। कितनी सब्सिडी? 70,000 मिलेगी। अच्छा, 70,000 से सब्सिडी मिली, इसके लगभग जो है मिल सकती है। क्या कंप्यूटर भी साथ में इसके? इसमें कंप्यूटर सिस्टम ये है कि लेजर लेबलर है, ये लेजर वहाँ पे लगा हुआ है खेत में और ये इससे कनेक्ट हो जाता है, दोनों कनेक्ट होते हैं। हाँ, और फिर ये उसी अनुसार जो है चलते हैं, जितनी सेटिंग कर देंगे। अच्छा, ये हम इतने पर सेटिंग कर दिए हैं। अच्छा, ये इतने ही पे चलेगा, हम कितना भी उठा दे ऊपर उठा देंगे। इसमें वो दिया है उठाने वाला। अच्छा, ट्रैक्टर पे मशीन लगी है उठाने वाला दिया, लेकिन फिर वो ऑटोमेटिक गिर जाएगा। अच्छा, तो कभी इसकी मेन सेटिंग कहाँ से करते हैं? हम सेटिंग इससे करते हैं, ये जो है दिया है। अच्छा, ये ऊपर नीचे करते हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ हरी हरी बत्ती जली है, हरी लाइट लगी हुई है उसमें। अच्छा, जब कनेक्ट हो जाएगी तो हरी लाइट जलेगी। लीवर दिया, ये देखिए, आइए दिखाइए। ये देखिए, ये लीवर दिया हुआ है। तो देखिए हम स्टार्ट करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे देखिए, ये इस वक्त कनेक्ट हुआ है, ये हरी बत्ती जल रही, तो इससे मतलब उससे कनेक्ट है। अच्छा, तो और ये दिखा रहे कि तीनों आपस में कनेक्ट हो गई हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये तो वायर से वायर द्वारा वहाँ से कनेक्ट है, वायर। अच्छा, से वायर लगा हुआ है। हाँ, तो और ये अभी मैं स्टार्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका काम है कि मैं जब उठाऊंगा, इधर इधर दिखाइए, इसका काम है कि जब मैं उठाऊंगा ये ऑटोमेटिक फिर वहीं पर गिर जाएगा। अच्छा, जो छोड़ देंगे आते तो फिर वहीं आ जाएगी। हाँ, इसका मतलब बस यही रहता है, ये ऑटोमेटिक जो है, तो ये जैसे ही गिराऊंगा ऑटोमेटिक गिर जाएगी। अच्छा, मतलब अपने लेवल पे गिर जाएगी। देखिए ये मेन सेटिंग, और ये मेन सेटिंग है, ये ऊपर नीचे जैसे कि खेत पूरा एक लेवल में आ गया। हाँ, अगर कहीं गड्ढा है तो थोड़ा सा एक बार और घुमा देंगे तो इस तरह से। अच्छा, जिस तरफ घड़ी घूमती है। हाँ, उस तरफ घुमाएंगे तो ये नीचे होगा। अच्छा, और घड़ी के उल्टी तरफ घुमा देंगे। हाँ, तो ये ऊपर हो जाएगा। यही मेन सेटिंग है हर खेत के अनुसार। तो यही जो है, यही मेन सेटिंग है इसकी। और वो दो टायर दिया है तो उससे जमीन के लेवल में चलता है उसी हिसाब से। अच्छा, ये टायर जो लगे हुए हैं इससे क्या होता है कि ये अप डाउन, अगर खेत ऊपर नीचे है लेकिन वो टायर के उससे सेटिंग में सेटिंग एडजस्ट कर लेता है, वो टायर सेटिंग एडजस्ट दिया है, समझ लीजिए। अच्छा, और लोकल वाले में क्या होता था कि ट्रैक्टर जो है ऊपर चढ़ जाता था। ये आपकी किस कंपनी की है मशीन? ये हमारी है मशीन, कंपनी है केएस करके कंपनी है। अच्छा, केएस की है आपकी मशीन। इससे पहले हमारे घर पर एक और है और ये वाली है। इसको कितने एचपी तक ट्रैक्टर चला सकता है? कंपनी वाले तो देते हैं कि 45, लेकिन मेरे हिसाब से 50 से ऊपर रहता है तो वही बेहतर ट्रैक्टर है, क्योंकि इसी पे मेरा 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लोड पड़ता है तो एकदम। अच्छा, सोनाली का 60 है आपका? कभी कभी बंद हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है तो 45 लेने का कोई मतलब नहीं है, उसमें जो है मट्टी खींच नहीं पाएगा। कम मट्टी लेगा? बहुत कम मट्टी लेगा जो है। कैसे, घंटे के हिसाब से चला रहे हैं या बीघे के हिसाब? ये हमारे यहाँ घंटे के हिसाब है, इसमें हर जगह घंटे के हिसाब रहता है, क्योंकि जो है घंटे के हिसाब इसलिए रहता है क्योंकि कभी कभी खेत जो है, जैसे ये देख लीजिए 1 बीघे है। हाँ, हाँ, इसमें लग चुका है, अभी तक 2 घंटे लग गए लगभग। हाँ, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, अब इसमें 3 घंटे 2-3 घंटे लगेंगे, क्योंकि उधर पूरा बहुत ज्यादा ऊंचा है। अच्छा, इधर ऊंचा है पूरा, हमको मट्टी खींच कर वहाँ ले जाना छोड़ना है। यहाँ पे बार बार एक बार खाली गाड़ी आएगी और एक बार भर के लेकर जाएगी वहाँ पे। अच्छा, गड्ढा है एक तरफ तो उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। कितना आपका घंटे में तेल पीता है?
तो मेरा ये लगभग जो है 4 साढ़े 4 लीटर 4.5 मान लीजिए, तो 4 सिलेंडर की ये गाड़ी है। जो सोनालिका 3 सिलेंडर में आती है, लेकिन ये मेरी 4 सिलेंडर की है। अच्छा, तो इसलिए मुझको लगता है ज्यादा पी रही होगी, और गाड़ियां भी लगभग वही है अनुमान है। हाँ, ये क्या है पीछे बॉक्स वॉक्स है? हाँ, ये बॉक्स दिए हैं, कंपनी वाले बॉक्स दिए हैं। इसमें जो है तो ये बॉक्स में सामान वामान रखने के लिए, वो जो कंप्यूटर है उधर कंप्यूटर सामान है। और ये लेजर देखिए कनेक्ट है, अभी कनेक्ट अच्छा। मैं बंद किया, जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये हरी बत्ती यहाँ पे जल जाएगी। अच्छा, जब कनेक्ट होगा तो हरी लाइट जलेगी। तो ये इसका प्रेशर लगा हुआ है, ये एक प्रेशर जो है इसमें आता है, ऑयल आता है और एक इनसे रिटर्न जाता है। अच्छा, और ये पूरा वर्क इसी पे करता है। और ये जो दिया है ये पाइप, जैसे आप कहीं दूर जा रहे हैं हाँ। तो ये सेफ्टी के लिए दिए, उसमें अच्छा। लॉक लगा दें हाँ। ताकि कभी का अगर किसी वजह से उसमें से एयर निकल जाए हाँ। तो गिरे ना, बाई चांस रोड पे गिर जाएगा तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है हाँ। तो इसमें गुल्ली, आदमी गुल्ली दिया है कंपनी वालों ने, उसमें गुल्ली डाल दिया जाए। और ये इसका यहाँ पे नाधा सेटिंग दिया है, ये सीधा और टेढ़ा करने के लिए। अच्छा, ये नाधा है हाँ। तो और ये वायर है, वायर से कनेक्ट होता है। इसकी रेंज कितनी है इस सेंसर की? इसकी रेंज सेंसर की ये बीच में लगा हुआ है, इसके चारों तरफ 1 किलोमीटर कंपनी वाले देते हैं। अच्छा जी, 1 किलोमीटर इतनी दूर जरूरत नहीं पड़ती, आधा किलोमीटर बहुत ही हो गया। फिर उसके मतलब कोई पेड़ आ जाए, घर आ रहा तब भी जाएगा या कट जाएगा? नहीं तो पेड़ में कभी कभी सेंसर नहीं काम करता है, लेकिन छोड़ देता है, वर्क करता है। बहुत ज्यादा पेड़ होगा, खुली जगह चाहिए। हाँ, इसके लिए खुला मैदान चाहिए। अच्छा, तो और हम लोग उधर पेटी वगैरह सब बांधे हुए हैं। अच्छा अच्छा, बैटरी क्या है? बैटरी भी लगती है? तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर वहाँ दिखा रहा हूँ, वो सेंसर जो है इसी, यही सेंसर लगा हुआ है, इसमें दिखाते हैं। और यहाँ पे इसके साथ बैटरी भी मिली हुई है। ये एक ही बैटरी है, दो है? ये इसमें दो बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी हम लोग चार्ज में लगा देते हैं वहाँ बॉक्स अच्छा। में, और ये जो है सेंसर है। अच्छा, इसको लपेट के वहाँ पे रखा बना हुआ है, उसमें अच्छा। हम लोग डाल के लेके चले जाते हैं। अच्छा, इस डब्बे में दिया रखने के लिए? हाँ, इस डब्बे में रखा हुआ है। ये कंप्यूटर आपका TSD कंपनी का है? हाँ। अच्छा, ये सब रखने के लिए दिया है। चलिए, तो थैंक यू इतना सब बताने के लिए। जो किसान भाई नहीं जानते हैं कमेंट बॉक्स में सब पूछ सकते हैं, अगर जो जो नहीं जानते हैं।